प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे पर रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा कि सन 2000 से भारत रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन होते रहा है। यह दौरा बेहद खास है और यह 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में आखिरी बार 2021 में सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जब पुतिन भारत गए थे। वहीं हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है, ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, वहीं कोऑपरेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। बता दें कि यूक्रेन को और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि हम इस दौरे के दौरान 6 से 7 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सन 2000 से भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट्स होता है और ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22वां एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में, जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीजों पे बातचीत होगी। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विश्व स्तर पे, उन चीजों पे भी डिस्कशन होगी। मैं पूरी तरह तो नहीं अभी नहीं बता सकता कि लीडर्स क्या बात करेंगे, क्योंकि ये तो वो डिसाइड करेंगे, उनको भी जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सारी मुद्दों पे बातचीत होगी। यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसके बारे में भी संभावना है बात होने की। जी, इन सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिलके भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स को का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र को और बढ़ाने की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी जो आपने बात कही वो भी, उस पर भी बातचीत होगी और जो इन क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट एग्री हुए हैं उन पे भी सिग्नेचर होने की संभावना है।